सोनू सोनू तूने मैगी नूडल्स से हैशटैग चॉकलेट बनाई क्या? फ्रेंड्स, मैगी बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश है और मैगी नूडल्स से आज हम इसी मैगी नूडल्स से बनाएंगे बच्चों की फेवरेट हैशटैग चॉकलेट। तो अब क्या कहने, जब मैगी नूडल्स, चॉकलेट और हैशटैग तीनों ही बड़े कमाल के हैं, तो आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जी हाँ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी रेसिपी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, मैगी नूडल हैशटैग चॉकलेट बनाने के लिए हमें चाहिए मैगी नूडल्स, ये मैंने व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट और डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। आप कोई सी भी एक भी ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं या मिल्क चॉकलेट भी आप आपकी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। पिंच हमें नमक चाहिए, एक चम्मच हमें बटर लेना है और ये मैंने रोस्टेड सॉल्टेड पीनट्स लिए हैं जिसे खारिशिंग भी बोलते हैं, ये मैंने लिए हाफ कप। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मैगी नूडल्स को इस तरह से थोड़ा सा हाथ से तोड़ लेंगे और इसको हमें पैन में लेके इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है। फ्रेंड्स, हमें इस तरह से हल्का सा इसे रोस्ट करना है, इसमें कुछ भी हमें मिलाना नहीं है, खाली मैगी को ही इस तरह से हल्का सा रोस्ट करना है जिससे कि इसका मॉइस्चर निकल जाएगा और चम्मच चॉकलेट क्रिस्पी बनेगी। एक मिनट के लिए मैंने रोस्ट कर लिया है, अब गैस बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे मैगी नूडल्स ठंडे हो रहे हैं और ये मैंने खारी सिंह या रोस्टेड सॉल्टेड पीनट जिसे कहते हैं वो लिया है। खारी सिंह की रेसिपी मैंने आपको, खारी सिंह और मसाला सिंह की रेसिपी मैंने आपको पहले ही बताई है और मैंने यूट्यूब पर यह रेसिपी अपलोड भी कर दी है, आप वैसे भी बना सकते हैं। 3 से 4 मिनट में खारी सिंह हम माइक्रोवेव में आसानी से बना सकते हैं, वो रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं या फिर आप बाजार से भी खारी सिंह ला सकते हैं, आसानी से मिल जाती है और उसे हमें दरदरा क्रश करना है, थोड़ा सा कोर्सली ग्रेंड करना है जिससे कि उसके चंक्स भी मुंह में बहुत अच्छे आएंगे। इस तरह से मैंने इसे कोर्सली ग्रेंड कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे। मैंने थोड़ी व्हाइट चॉकलेट और ये थोड़ी डार्क चॉकलेट, दोनों चॉकलेट ले रही हूँ। आप खाली व्हाइट या खाली डार्क ले सकते हैं, कोई से भी चॉकलेट ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट भी आप ले सकते हैं। इसको अब मैं 30 सेकंड के लिए माइक्रो कर रही हूँ, आप डबल बॉयलर से भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। ये मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली है, अब हम इसमें थोड़ा बटर डालेंगे, मिक्स कर देते हैं बटर को भी। और अब हम इसमें डालेंगे पिंच, हमें सॉल्ट डालना है एकदम पिंच, टेस्ट के लिए पिंच सॉल्ट डालेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे ये 2 से 3 चम्मच, ये हमने खारी सिंह जो ली है रोस्टेड पीनट वो डाल देते हैं, क्रंच बहुत अच्छा आएगा इसका। और मैगी हम इसमें डालेंगे, मैगी नूडल्स हाथ से थोड़ा और क्रश कर लेते हैं, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे, मिक्स कर लेते हैं पहले। अब हम एक फॉइल पेपर पर इस तरह से रैंडमली चॉकलेट्स बनाएंगे, कोई सा भी शेप देना है, एकदम रैंडमली शेप डालनी है हमें चॉकलेट्स, परफेक्ट कोई इसका शेप नहीं है, हैशटैग चॉकलेट बनेगी ये। ये मैंने एल्यूमिनियम फाइल पर सारी हैशटैग चॉकलेट बना ली है, अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में ठंडा होने के लिए रखती हूँ। फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद मैंने चॉकलेट को फ्रीज में से बाहर निकाल ली है, अब ये हमारी नूडल्स से बनी हैशटैग चॉकलेट सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। फ्रेंड्स, कैसी लगी है आपको एकदम यूनिक रेसिपी मैगी नूडल्स से बनी हुई हैशटैग चॉकलेट? बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी, जरूर बनाइए और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए।